परमात्मा से भिन्न है या फिर यह समझिए कि जीव आत्मा से भिन्न है ठीक जीव परमात्मा से भिन्न है या फिर जीव आत्मा से भिन्न है तो जीव परमात्मा से भिन्न है जीव आत्मा से भिन्न है कैसे भिन्न है भाई तो अब दो प्रकार की बातें हैं उप एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि यह उपनिषद का विषय है तो उपनिषद पहले ही अयमात्मा ब्रह्म को सिद्ध करते हैं कि आत्मा ही ब्रह्म है उपनिषद पहले ही अयमात्मा ब्रह्म को सिद्ध करते हैं कि आत्मा ही ब्रह्म है तो आत्मा ही ब्रह्म है यह तो पहले से ही सिद्ध है तो यहां पर जीव तो इसलिए जीव परमात्मा से भिन्न है इसका तात्पर्य यह भी हो गया कि जीव आत्मा से भिन्न है जीव परमात्मा से भिन्न है इसका तात्पर्य यह भी हो गया कि जीव आत्मा से भिन्न है तो यह आप अच्छी तरह से समझ ले कि जीव आत्मा नहीं है इसका मतलब यह है आत्मा अलग चीज है जीव अलग चीज है हाँ यह हो सकता है कि जीव के विकास में आत्मा सहयोगी है या आत्मा मूल कारण है अगर बिजली ना हो तो बिजली के उपकरण क्यों होंगे अगर बिजली ना हो तो इलेक्ट्रिक फैन क्यों बनाए जाते अगर बिजली नहीं होती तो टीवी क्यों बनाई जाती अगर बिजली नहीं होती तो रेफ्रिजरेटर फ्रिज क्यों बनता नहीं बनता ना फिर तो जीव जो है वही मूल कारण क्योंकि आत्मा सबका मूल कारण है ब्रह्म सबका मूल कारण है तो वह तो सब में व्याप्त है उसके बिना कुछ भी नहीं है जितनी भी प्रकृति का जितना भी विकास है वह सब के सब उस ब्रह्म तत्व से ही बने हुए हैं ठीक परंतु इंद्रिय गति जो इंद्रिय अनुभूतियां हैं वह मिथ्या हैं वह सत्य नहीं है लेकिन अब इस मिथ्या के साथ आदमी को निपटना है मिथ्या में ही भूल चुका है वो खो चुका है वो जैसे कि मैंने बताया कि गुफा के अंदर गुफा के अंदर कुछ लोग बैठे हैं और उनको परछाइयां दिखाई देती हैं और वो उसी को सत्य मान लेते हैं वो उसी को सत्य मान लेते हैं तो मित्रों यह हमें समझना है इस बात को हमें समझकर चलना है तो क्या है इस विषय को समझिए जीव परमात्मा से भिन्न है कैसे भिन्न है श्तास्त्रोपनिषद में यह बात लिखी जा रही है इसका अर्थ समझाया जा रहा है तो कैसे भिन्न है जीव परमात्मा से ये बात जबकि वो उसी का अंश है ईश्वर अंश जीव अविनाशी लेकिन भिन्नता तो है जीव परवश है आत्मा स्वश है जीव परवश है और आत्मा स्वश है भिन्नता तो है ही किस प्रकार की भिन्न भिन्नता है कैसे भिन्नता है आइए उसको समझने का प्रयास करते हैं इस श्लोक के माध्यम से श्रोतास्त्रोपनिषद के श्लोक क्या कहते हैं श्रोतास्त्रोपनिषद के श्लोक कहते हैं कि मात्रो कार गुने नात्म आराग्र मात्रो रविल्यूपलहकार अपरो अपि आराग्रमात्र जो मात्र परिमाण वाला रवितुल्यूप सूर्य के समान प्रकाश रूप संकल्प और अहंकार से युक्त है क्या है संकल्प और अहंकार से युक्त है वह जीव कैसा है अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला नंबर वन को बताया गया सूर्य रूप है तेजस रूप है क्योंकि वह तेजस लोक का वासी है वह जीव तेजस लोक का वासी है जीव कहां निर्मित हुआ है हिरण्य गर्भ में निर्मित हुआ है जीव कहां अस्तित्व में आता है हिरण्य गर्भ में अस्तित्व में आता है ब्रह्मा के लोक में अस्तित्व में आता है और जीव तेजस है सूर्य के समान प्रकाशवान है वह और संकल्प और अहंकार युक्त है क्या युक्त है संकल्प और अहंकार युक्त क्या बात कही जा रही इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण बात है वह कि संकल्प और अहंकार युक्त है संकल्प अहंकार समन्वित संकल्प अहंकार समन्वित जिसके अंदर समाया हुआ है संकल्प और अहंकार से परिपूर्ण है बुद्धि गुणेन आत्म गुणेन एवं आराग्रमात्र अर्थात बुद्धि के गुण के कारण और अपने गुण के कारण ही सूजे की नोक के जैसी सूक्ष्म वाला है यह सूक्ष्म आकार वाला कहिए या अति सूक्ष्म है यह भी लेकिन यह अपरह है अपर अर्थात अपर है यह अपर है ऐसा अपर जीव भी निसंदेह ज्ञानियों ने देखा है इस तत्व को भी ज्ञानियों ने देखा है जिसे जीव कहते हैं ठीक तो जीव जीव जो है अहंकार और संकल्प से युक्त बुद्धि से युक्त गुणों से युक्त अनेकानेक गुणों को करने वाला अनेकानेक कर्म संस्कारों को धारण करने वाला ठीक है अनेकानेक गुणों को करने वाला अनेकानेक कर्म संस्कारों को धारण करने वाला यह जीव है तो यह जो जीव है यह इस प्रकार का है और फिर क्या कहा जा रहा है यह अपर है इस लोग फिर से देखते हैं यह अपर है यह अति सूक्ष्म होने वाला अंगुष्ट मात्र परिमाण वाला ऐसा अपर परमात्मा से भिन्न यह जीव निसंदेह दृष्ट है ज्ञानियों के द्वारा जाना जाता है कि ऐसी एक सत्ता है जीव की सत्ता तो जीव क्या है ब्रह्म क्या है आत्मा क्या है समझिए इसको आत्मा को जीव मत बोलिए बहुत बड़ी गलती करते हैं जब आप जीव को आत्मा बोलना शुरू कर देते हैं आत्मा निश्चल तत्व है आत्मा निर्विकार है आत्मा गुणातीत है आत्मा अहंकार मुक्त है जीव गुण युक्त है जीव संकल्प और अहंकार से समाया हुआ है जीव अंगुष्ठ मात्र परिणाम वाला सूर्य के समान तेज गुण रखने वाला और अपर है ब्रह्म पर है ब्रह्म परा विद्या का विषय है जीव अपरा जीव की जो गति है वो अपरा है परा नहीं है आत्मा की गति परा है जीव की गति अपरा है अपर गति है जीव अपर मतलब उस परमात्मा से भिन्न है अलग है वो लेकिन उसका क्या निजी अस्तित्व है जी नहीं उसका अस्तित्व निर्भर करता है उसी ब्रह्म पर क्योंकि तो मूल कारण तो ब्रह्म है उसका अस्तित्व निर्भर करता है उसी आत्मा पर परंतु जीव की गति गुण युक्त है भाव युक्त है अहंकार युक्त है इंद्रिय युक्त है जीव की गति इंद्रिय युक्त है इंद्रियों में उसकी गति बनी हुई है तो जीव जो गुणों से युक्त अहंकार से युक्त संकल्प से युक्त जन्म मरण से युक्त इंद्रियों से युक्त ये सारी चीजों से जो संपन्न हो रहा है वह जीव है वही शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करने वाला आगे यह विषय और बता खोल के बताया जाएगा शोतास्त्र उपनिषद में और वह अपर परमात्मा से भिन्न है क्योंकि परमात्मा गुणातीत है परमात्मा भावातीत है परमात्मा अहंकार से परे है परमात्मा गुणों से परे है भावों से परे है परमात्मा पर गति है उसकी वो परा है और यह जीव अपर है अपर साफ रूप से इस श्लोक के अंदर अपर शब्द का प्रयोग हुआ है कौन से शब्द का प्रयोग हुआ है अपर शब्द का तो अपर शब्द का प्रयोग हुआ है तो अपर है जीव की गति पर नहीं है तो यह श्लोक क्या कहता है जब भी आप कोई प्रश्न करते हैं या कमेंट करते हैं तो कम से कम उस विषय और जहां से वो विषय लिया जा रहा है उस पर ध्यान दीजिए अगर आपको ये तथ्य स्वीकार नहीं है तो कृपया जाइए उपनिषद खुद से पढ़िए और देखिए किस बात किस तरह से कौन सी बात लिखी गई है ठीक है फिर चर्चा करेंगे तो फिर अच्छा लगता है तो है पर अर्थात यह अपर है यह परमात्मा से भिन्न बताया जा, जा रहा है क्यों बताया जा रहा है व्यवहारिकता में भिन्न है परमार्थ परमार्थिकता में भिन्नता नहीं है व्यवहारिकता में भिन्नता है यह ध्यान रखिएगा परमार्थिकता में जो पारमार्थिक तत्व है वो तो एकमात्र एक ही ब्रह्म है बस लेकिन जब व्यवहारिकता की बातें आती है जब इंद्रिय गति की बातें आती है तो बातें अलग अलग हो जाती हैं फिर फिर द्वैत आता है फिर त्रैत आता है और द्वैत त्रैत की मान्यता ही दुख का कारण है ऐसी विश्वास को बना के रख लेना ही दुख का कारण है ठीक है तो इसलिए हमें स्वयं इस पर विचार कर, कर ही बातों को समझना चाहिए तो जो जीव है वह क्या है यही इस श्लोक में बताया जा रहा है तो मुख्य इसमें विषय है अपर शब्द अपर पीछे भी हमने पराविद्या अपराविद्या अपर ब्रह्म पर ब्रह्म की चर्चा कर ली तो यह जो वैश्वानर जगत है इसी को अपर ब्रह्म भी कहा गया ठीक है तो जीव अपर ब्रह्म की गति में आएगा अपर ब्रह्म के कैटेगरी में आ जाएगा फिर क्योंकि ये नहीं माना जा सकता कि ब्रह्म तो सर्वोपरि है और सब जगह है सब कुछ ब्रह्म से ही बना है सब कुछ ब्रह्म से ही विकसित हुआ है तो इसीलिए आप ब्रह्म को तो अलग नहीं कर सकते परंतु ब्रह्म की शुद्धा अवस्था नहीं मानी जा सकती जीव में तो जीव इन सब चीजों से संपन्न रहने वाला गुणों से इंद्रियों से संकल्पों से कामनाओं से अहंकार से और दो चीजें एक और बात बताएगी अंगुष्ठ मात्र अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला और सूर्य रूप तेज मन ज्योत स्वरूप है अपना मूल पहचान मन ही देवता मन ही ईश्वर मन से बड़ा ना कोई मन उजियारा जब जब फैले जग उजियारा होए वास्तव में जो मन का स्वरूप है जो जीव का जो रूप है वह ज्योति रूप वो प्र, वो सूर्य का तेज रूप ही है इसीलिए हम जब अंतर्मुखी साधना भी करते हैं तो जीव की ही अभिव्यक्ति प्रकाश रूप में होती है जो कहते हो ना कि भ्रिकुटी में दिख रहा है प्रकाश कुछ लोग कहेंगे ये तो साक्षात ब्रह्म दिख रहा है नहीं भैया वो जीव ही है क्योंकि वह भी तो अभिव्यक्ति है क्योंकि ब्रह्म तो भावातीत है ना वो भावनाएं थोड़ी ना प्रकट करेगा वो तो आपको भावातीत अवस्था में ले जाएगा आप जितना ब्रह्म के नजदीक पहुंचोगे उतना भावातीत अवस्था में जाओगे उतना गुणातीत अवस्था में जाओगे गुणों के परे जाओगे ठीक उतना शांत हो जाओगे उतना निष्विचार हो जाओगे विचार शून्यता की अवस्था उतनी अधिक स्थापित होगी जितना तुम ब्रह्म के नजदीक पहुंचोगे तो इसीलिए वह जीवत्व का ही एक प्रतिबिंब है उस प्रकाश का दिखाई देना घट के भीतर इसलिए जीव को सूर्य रूप तेज कहा गया है तो वह उसका असली तो वही है वो लेकिन क्या है कि अहंकार से युक्त संकल्पों से युक्त कामनाओं से युक्त इंद्रियों से युक्त और अपर गति है उसकी अपर है वो परमात्मा से भिन्न है इस कारण से उसकी गति अलग है पुनरअपि जर्णम पुनरअपि मरणम पुनरअपि जननी जठरे बार बार जन्म लेना बार बार मृत्यु को प्राप्त होना यह जीव का काम है कामनाओं के कारण अहंकार के कारण इन सब के कारण वह बार बार जन्म लेता है और बार बार मृत्यु को प्राप्त होता रहता है यह जीव की गति है तो जो बार बार जन्म ले रहा है बार बार मृत्यु को प्राप्त हो रहा है अपने कर्म संस्कारों के कारण अलग अलग योनियों में प्रवेश कर रहा है वह परमात्मा तो नहीं हो सकता हां अब वो साधना करेगा जब उसे पता चल गया कि भाई कुछ रखा नहीं है घुमा फिरा के दो चार बातें हैं आहार निद्रा भय मैथुन आहार निद्रा भय मैथुन इसमें भटकना है आदमी सारा जीवन इन्हीं सब के लालच और लोभ में अपना जीवन बिताता रहता है तो परिवार का मोह है तो कामनाओं का मोह है अनेक प्रकार की वस्तुओं का मोह आसक्ति वैभव यश की कामना धन की कामना अनेकों कामनाएं विचित्र विचित्र टाइप के भी कुछ कामनाएं लोगों के अंदर आ जाती हैं तो ऐसी अनेकों कामनाएं जो कि प्रकृति के बंधन में प्रकृति उन्हें विवश करती है इस प्रकार से रहने के लिए तो प्रकृति के बंधन में उनके अंदर जो इस प्रकार की अनेकों कामनाएं उत्पन्न हो रही हैं जब उसे समझ में आता है कि भाई यह तो जाल है चक्र है कुछ रखा नहीं है हर जन्म में वही चक्कर लग रहा है बार बार और कुछ समझाने वाले मिल जाते हैं कि कहाँ फंसे हुए हो वही तो चक्कर है मोक्ष का मार्ग ना मुक्ति के मार्ग पर चलो क्या के मार्ग पर आ जाओ योग के मार्ग पर आ जाओ तो फिर व्यक्ति सोचता है कि नहीं उधर भी अब चलना पड़ेगा नहीं तो यह तो दुख बना रहेगा संसार को भोगने के चक्कर में व्यक्ति दुखी होता रहता है अत्यधिक सुखी होने के चक्कर में दुखी होता रहता है तो जब उसे समझ में आ जाएगा कि यह जो माया है मृग मरीचिका है मृग का है यह माया तो जब उसे समझ में आ जाता है तो फिर सोचता है कि भाई मुक्ति चाहिए अब तो अब तो मुक्ति ही मिल जाए तो बेहतर है इस संसार में बहुत भटक लिए इस संसार में बहुत सारी चीजें कर लिए कई जन्मों तक बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन खा लिए कई बार संतान उत्पत्ति कर ली कई स्त्रियों से मिल लिए कई पुरुषों से मिल लिए लेकिन फिर भी तृष्णा बनी हुई है तृष्णा ना जिड़ना वयमेव जो भोगे न भुगता वयमेव भुक्ता बनी हुई है अब इससे मुक्ति का मार्ग निकलना चाहिए एक नेचुरल नीड एक प्राकृतिक भावना आनी चाहिए कि हमें मुक्ति चाहिए और इस बात को समझना चाहिए क्योंकि जब तक आदमी को ठोकर नहीं पड़ती है ना तब तक वो समझता नहीं है उसको लगता है क्या होता है कि जीवन में कुछ समय के लिए यह जो प्रकृति है चाहे उसे प्रकृति कहिए चाहे ग्रहों की दशा कहिए जो कहिए यह जो ग्रहों की दशा है कुछ समय के लिए प्रत्येक व्यक्ति को राजा जैसा जीवन दे देती है जीवन में कुछ समय के लिए कुछ वर्षों के लिए कह लीजिए ऐसा हो सकता है कि तो उसको राजा जैसा जीवन मिलना शुरू हो जाए लेकिन वो उस समय ये भूल जाता है कि यह सब बदल जाएगा हमारी ताकत हमेशा वैसे नहीं बनी रहेगी जैसी है इस समय हमारी शक्तियों का क्षण होगा सौंदर्य का क्षण होगा लेकिन कुछ समय के लिए प्रकृति ऐसा कर देती है कि आदमी को लगता है कि आई एम द बेस्ट आई एम द किंग मैं ही शायद सबसे पावरफुल मैं ही हूं हर व्यक्ति के मनुष्य में तो नहीं कम से कम फिर भी सेवेंटी फाइव परसेंट लोगों के जीवन में कुछ काल ऐसा आता है जब उनको ये लगने लग जाता है आई कैन डू एवरीथिंग मैं पूरी दुनिया जीत सकता हूं और उनको सफलताएं भी मिलती हैं लेकिन वो टाइम पीरियड खत्म होता है और चीजें बदलनी शुरू हो जाती है उसको समझ में नहीं आता और उसमें वो कई गलतियां कर जाता है कई पाप कर्म एकत्र कर लेता है सामर्थ्य के अहंकार में बल के अहंकार में क्योंकि प्रकृति के सिद्धांत को वो जानता ही नहीं था सफलता से जीवन जीना है तो सबसे अधिक जरूरी है प्रकृति को ही समझना और योग मार्ग इसी की सूक्ष्मता को गहराई से बताता है पतंजलि का योग सूत्र इसलिए ध्यान योग का मार्ग ध्यान योग एक बात मैं आपको बता दूं सही मानिए तो ध्यान योग एक ऐसा विषय है आपके जीवन में ध्यान योग ऐसा होना चाहिए जैसे कि आप डेली खाना खाते हो डेली सोते हो वैसे आपका ध्यान डेली होना चाहिए साधना डेली होनी चाहिए उसके बाद फिर बदलेगा दृष्टिकोण बदलेगा चीजों को देखने का चीजें वही रहेंगी लेकिन उनको देखने का दृष्टिकोण बदलेगा दृष्टिकोण में वैज्ञानिकता आ जाएगी सूक्ष्मता आ जाएगी टेक्निक्स का डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा ठीक है टेक्निक्स सिर्फ इंजीनियरिंग में नहीं होता लाइफ में भी अपने माइंड के ऊपर भी इसलिए योग जो है वो हमें टेक्निक्स ही देता है हाउ टू कंट्रोल इमोशंस हाउ टू कंट्रोल फ्लो ऑफ एनर्जी इन योर बॉडी शरीर के अंदर अनेक प्रकार की ऊर्जाएं अनेक तरीके से विकसित होती हैं उनका प्रवाह होता है कैसे उसको चैनलाइज करना है जबरदस्ती का उसको रोकना नहीं है चैनलाइज करना है उसको उ टू चैनलाइज इट पर्सन टू पर्सन कई चीजें अलग भी हो जाती हैं तो समझने की चीज है तो जीव क्या है जीव की गति क्या है ये उपनिषद यहां पर समझा रहे हैं उपनिषदों का यह श्लोक यहां बता रहा है कि जीव अंगुष्ट मात्र अंगुष्ट मात्र का क्या अर्थ है कि जीव के बिना जीव के बिना यह शरीर बेकार है जैसे कि देखो ये पांच अंगुलिया हैं, ये ये चार अंगुलियां कितना काम करती हैं आपको पता है ना अगर मान लो कि आपको लिखना है या कुछ पकड़ना है अंगूठा हटा दो अंगूठा मान लो नहीं है एकलव्य एक की तरह अगर अंगूठा दक्षिणा में ले ली गई अब ये चार अंगुलियां क्या कर लेंगी बताइए क्या कुछ कर पाएंगी ये चार उंगुलियां नहीं कर पाएंगे ना तो अंगुष्ठ मात्र अगर ये नहीं है तो बेचारी ये बेचारी हो जाएंगे फिर कुछ काम के नहीं रह जाएंगे अगर ये है तो लिखोगे खाओगे अगर हाथ से खाना खाते हैं उसमें भी अंगूठा सहायक है मुट्ठी बनाओगे अच्छे से मजबूत मुट्ठी बनाता है ये अंगूठा तो बिना इस अंगूठे के ये चारों बेचारी ज्यादा काम करके देने वाले नहीं आपको हर काम में मुश्किल पैदा कर देंगे तो अंगुष्ठ मात्र अगर अंगुष्ठ मात्र जैसे कि एक और एग्जाम्पल लीजिए आपने क्या किया घर में सबसे बेस्ट सबसे अच्छे ब्रांड का और सबसे बेस्ट क्वालिटी का पंखा लगा लिया हर रूम में लगा लिया आपने अच्छी सी टीवी खरीद कर लाए महंगी पचास हजार एक लाख का टेलीविजन आप खरीद कर ले आए कंप्यूटर सिस्टम खरीद कर ले आए ठीक है माइक्रो ओवन खरीद कर ले आए अच्छी से अच्छी चीजें आपने इलेक्ट्रिक गैजेट्स जो थे आपने खरीद लिए सब कुछ कर लिया आपने वायरिंग भी करवा ली स्विच बोर्ड भी लगा लिए सब कर लिया अब कोई गेस्ट आपके यहां आए देखा कि पंखा बड़ा सुंदर पंखा लगा है बड़ा महंगा होगा आखिर भाई पंखा चला दीजिए तो आपने उसे कहा कि जी ये चलता नहीं है तो उसे हैरानी होगी भाई ये क्या मतलब है पंखा लगा रखा है चलता नहीं है तो भाई इतना सुंदर पंखा आपने लगाया है देखने में इतना अच्छा लग रहा है चलता क्यों नहीं है भाई चलाओ ना इसको पंखा है चलने के लिए हवा देने के लिए कितना भी सुंदर हो पंखा कितना भी सुंदर हो हवा नहीं देता तो क्या मतलब पंखा कितना भी महंगा हो और कितना भी सुंदर हो अगर हवा नहीं दे सकता क्या मतलब उसका कोई मतलब निकलता व्यर्थ है वो तो अब गेस्ट ने कहा कि भाई पंखा चला दीजिए आपने कहा कि नहीं ये चलता नहीं है अच्छा देखा कि भाई इतनी बड़ी टीवी रखी हुई है दीवार में लटका रखी है इतनी बड़ी टीवी थोड़ा तो सा टीवी चला दीजिए आपने कहा जी नहीं चलता नहीं है अब गेस्ट को बड़ी हैरानी भाई पंखा है चलता नहीं है टीवी है चलता नहीं है एसी है चलता नहीं है गेस्ट ने कहा ठंडा पानी पिला दीजिए तो कहा कि फ्रिज है लेकिन चलता नहीं है अब एक बात बताओ क्या ये क्या अब गेस्ट सोचा कि भाई क्यों नहीं चलता पंखा है चलता नहीं है फ्रिज है चलता नहीं है टीवी है चलता नहीं है तो उसने पूछा क्यों नहीं चलता सब खराब हो गए क्या उसने कहा कि नहीं हमने हमने अभी जो है पावर कनेक्शन नहीं लिया है बिजली का कनेक्शन नहीं लिया है अब गेस्ट ने कहा कि तेरा भला हो भैया बिजली का कनेक्शन तो घर बनाते समय ही कई लोग ले लेते हैं क्योंकि तो घर बनाते समय भी बिजली की कई आवश्यकताएं पड़ जाती हैं और आपने अभी तक कनेक्शन ही नहीं लिया और ये सब लगा लिया पंखा खरीद लिया टीवी खरीद लिया फ्रिज खरीद लिया सारा खर्चा कर दिया लाखों रुपए का और थोड़े से खर्चे का बिजली का कनेक्शन लेना था वो क्यों नहीं लिया भाई तो बिना बिजली के कनेक्शन के सब व्यर्थ है इसीलिए यह शरीर कितना भी सुंदर हो यह शरीर कितना भी अच्छा हो आंखें कितनी भी सुंदर हो अगर इसके अंदर जीव नहीं है व्यर्थ फिर यह मृत है फिर अगर जीव छोड़ के चला जाए तो मृत हो गया शरीर मृत्यु को प्राप्त कर गया इसीलिए अंगुष्ठ मात्र है इसीलिए अंगुष्ठ मात्र है सूर्य के समान तेज वाला है संकल्प और अहंकार से युक्त है बुद्धि से युक्त है गुणों से युक्त है गुणों के वशीभूत है युक्त नहीं गुणों के वश में है प्रकृति के तीन गुणों के वश में है परवश है जीव कुल मिलाकर कहा जाए तो परवश है इसीलिए उसकी गति अपर है उसकी गति भी फिर अपर है परागति नहीं है इसकी अपर गति है इसलिए उसे अपर कहा जा रहा है जीव को क्या कहा जा रहा है अपर ऐसा अपर परमात्मा से भिन्न भी निसंदेह ज्ञानियों के द्वारा जाना गया है ज्ञानियों ने उस जीव को जाना है देखा है ठीक है तो जीव की गति को यहां पर समझाया जा रहा है जीव की अवस्था को यहां पर स्पष्ट किया जा रहा है कि जीव क्या है ठीक तो यह चीज है अब जीव की मुक्ति होती है अब क्या होता है जीव की फिर क्या होती है जीव की मृत्यु नहीं होती ईश्वर अंश जीव अविनाशी और जीव का जीवन भी नष्ट नहीं होता हाँ शरीर के साथ उसका एक चैप्टर क्लोज हो जाता है एक चैप्टर है चल रहा है अभी इस शरीर के साथ चल रहा है एक कहानी चल रही है इस शरीर के साथ तुम किसी के पिता हो किसी के पुत्र हो किसी के भाई हो किसी के बहन हो किसी के पति हो किसी के पत्नी हो किसी के प्रेमी हो किसी के प्रेमिका हो बस एक चैप्टर चल रहा है ठीक है मृत्यु आएगी वो क्लोज हो जाएगा नया चैप्टर शुरू हो जाएगा लेकिन जीव नष्ट नहीं होगा जीव का जीवन भी नष्ट नहीं होगा वो आगे बढ़ेगा अपने कर्म संस्कारों को लेते हुए वो आगे बढ़ जाएगा और जब तक उसके अंदर तरह तरह के भोगों की इच्छा है वो बनी ही रहेगी तो वो चलता ही रहेगा फिर रुकने वाला नहीं अब उसके अंदर एक स्वाभाविक इच्छा आएगी स्वाभाविक स्वभाव से अपनी इच्छा जब तक नहीं आएगी जबरदस्ती थोपने से अध्यात्म नहीं हो जाता चल बेटा तेरे को मुक्ति दे देता हूं जबरदस्ती कोई मुक्ति ना दे पाएगा कोई गुरु नहीं दे पाएगा गुरु जी कितना भी अपना भय दिखा लें कुछ गुरु जी लोगों का काम है शिष्यों को सिर्फ भय दिखाओ और शिष्य भयभीत हो जाते हैं अरे गुरु जी की कृपा नहीं हुई तो क्या हुआ अरे चमत्कार नहीं होगा तो क्या होगा तो भयभीत कर उनको चला तो रहे हैं योग के मार्ग पर जबरदस्ती में लेकिन वह जो जबरदस्ती वाली चीज है बंधन बना के रखी हुई है बांध के रखी हुई है और बंधन रहेगा जब उसके अंदर एक स्वाभाविक इच्छा प्रकट हो जाएगी कि मुझे मुक्त होना है मुझे मुक्ति प्राप्त करनी है जब उसके अंदर एक स्वाभाविक इच्छा प्रकट हो जाएगी तो फिर वह मुक्ति की ओर स्वयं ही बढ़ पड़ेगा भोगों को भोगते हुए भी वो कहानी सुनी आपने एक बार एक राजा थे मंदिर जाया करते थे और वहां एक पुरोहित जी पुजारी जी रहा करते थे मंदिर में पुजारी जी सोचते कि राजा कितनी सुखी है इसकी तीन तीन पत्नियां हैं और इतना धन वैभव है इतने नौकर चाकर इतने दास दासियां यह राजा कितना सुखी है और राजा सोचते कि यह पंडित जी कितने सुखी हैं यहां भगवान के मंदिर में सेवा करते रहते हैं भोजन भी इनको प्राप्त हो जाता है समाज से और मैं अपनी पत्नियों का झगड़ा राज्य का झगड़ा पड़ोसियों के आक्रमण का टेंशन और ना जाने क्या क्या संभालने में लगा रहता हूं मेरा जीवन तो व्यर्थ जा रहा है पंडित जी का जीवन ही सार्थक है इनका जीवन ही सार्थक है ये प्रभु की भक्ति में लीन है और मेरा तो समय बेकार जा रहा है सब राजा ये सोचता पुजारी सोचते हे प्रभु मुझे भी अगले जन्म में राजा बना देना मेरी भी सुंदर सुंदर तीन पत्नियां हों मेरे भी अनेकों दास दासियां हों और नाकर नौकर चाकर हों पुजारी बेचारा ये सोचता अब राजा की मृत्यु हुई तो कथा है साक्षात भगवान आए लेने के लिए राजा को कि चल तूने ईमानदारी से अपने कर्तव्य की पालना की है इतनी कठिन परिस्थितियों में भी तूने सही निर्णय लिए हैं अपने जनता की भी सेवा की है परिवार के लिए भी, भी तूने काम किया है और फिर मेरे में मन भी लगा कर रखा है साथ साथ तूने मुझ में भी मन लगा लिया है तो इसीलिए चल मैं तुझे ले चलता हूं पुजारी जी की मृत्यु आई तो काले काले यमदूत आए दस डंडे भी मारे कहा कि तूने तो कभी ईश्वर की इच्छा ही नहीं की मुक्ति की इच्छा ही नहीं की तूने तो हमेशा कामना ही माया की ही इच्छा की हमेशा तो चल तुझे वही मिलेगा हम तुझे वही ले जाते हैं ठीक है तो स्वाभाविक इच्छा मुक्ति की एक स्वाभाविक इच्छा हां चीजों को समझना चाहिए माया के स्वरूप को जानना चाहिए लेकिन भक्ति और योग कोई थोपने वाली चीज नहीं है एक स्वाभाविक इच्छा हमारे अंदर आनी ही चाहिए और वो तभी आएगा जब हम जीवन के सत्य को देखेंगे ध्यान से देखेंगे कि देखो बुद्ध ने क्या किया बुद्ध ने साधना बाद में करवाई पहले लोगों को दिखाया कि देखो संसार दुखालय है संसार दुखमय है यही कपिल मुनि करते थे यही पतंजलि उपदेश कर रहे हैं कि देखो संसार में हर एक चीज दुख में परिवर्तित होती है अंततः अंततः दुखों में बदलना शुरू हो जाती है हर रिश्ता अंत में दुखों का रूप धारण करने लग जाता है तो अनेकों चीजें हर आसक्ति हर भोग भोगे ना भुगता वयमे वो भुगता हम भोगों को नहीं भोगते भोग हमें भोगना शुरू कर देते हैं इसीलिए भोग करना सीखना जरूरी होता है योग तो सीखते हो हर कोई समझाने में लगा है भक्ति करो जीवन ईश्वर को समर्पित कर दो ठीक ना ब्रह्मचर्य का पालन करो हर कोई बड़ी बड़ी बातें कहना बड़ा आसान होता है ना इट इज ईजी टू से प्रिंसिपल देन टू फॉलो इट प्रैक्टिकल पे बातें कुछ और हो रही होती हैं ग्राउंड लेवल पर कुछ और ही चल रहा होता है लेकिन बड़ी बड़ी बातें सुनने में कहने में चर्चा करने में बहुत इजीली हो जाता है बहुत आसानी से कर देते हैं हम ठीक है लेकिन अंदर की गहराई में कामनाओं के वेग उठते रहते हैं अनेकों प्रकार के द्वंद चलते रहते हैं यह प्रकृति है मत भूलना यह प्रकृति है यह द्वैतमयी है यह पाप को भी जगह देती है पुण्य को भी जगह देती है यह बुराइयों को भी जगह देती है अच्छाइयों को भी जगह देती है लेकिन तुम मान के बैठे हो सिर्फ अच्छाई ही रहे वो भी ऊपर ऊपर से दिखावे में मेकअप में अंदर से तुम भी बुरे होते हो अंदर से भी तुमको भी बुरी चीजें पसंद आती हैं बुराई पसंद आती है कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं तुम छुपकर बुराई को देखना चाहते हो कहीं ना कहीं तुम छुप कर बुरे बनना चाहते हो गलत बनना चाहते हो लेकिन ऊपर से तुम चाहते हो कि दुनिया मुझे महात्मा समझती रहे मुझे बुरा ना कोई मान ले गलती से प्रकृति का खेल है ये सुनने में बड़ा अजीब सा लगेगा लेकिन सच्चाई यही है पाप को शरण कौन देता है प्रकृति देती है पाप को बनाए रखने वाली प्रकृति है पाप को बनाए रखने वाली प्रकृति है तुम कितना भी पुण्य कर लो पाप पैदा करना उसका काम है वो कर देगी लेकिन वह एक संतुलन बनाती है इसलिए मैं कहता हूं जीवन में सुख का आधार संतुलन है तुम भी अपने भीतर संतुलन को ले आओ संतुलन को स्थापित करना सीखो आर्ट ऑफ बैलेंसिंग आर्ट ऑफ बैलेंसिंग सीखिए तो बहुत सारी चीजें हैं संसार के अंदर इस माया में जीव के साथ और जीव इन जब छोटी छोटी बातों को जब जान लेता है समझ लेता है कि ये माया है ये माया का चक्कर है ये काल चक्र है ये इसमें हमें घुमाता रहता है परेशान करता रहता है लालच देता रहता है ये माया हमें लोभ देती रहती है हमें फंसाती रहती है अब इससे निकलना है निकलना है तो पहले वो जबरदस्ती ताकत लगाएगा फिर पलट के फिर कई बार गिरेगा ना एक बार नहीं गिरेगा छुरस से धारा है भैया छुरी के धार के बराबर तो ये मार्ग है कई बार गिरेगा और गिर गिर कर समझेगा हाउ टू वॉक हाउ टू ट्रेड ऑन द पाथ ऑफ अध्यात्म कैसे चलना है सीखेगा गिर गिर कर ही सीखेगा ऐसे थोड़ी ना अचानक से सीख जाएगा तो गिरेगा भी कई बार माया कई बार उसे खींच लेगी कई बार उसे बार बार डुबाएगी बार बार कर्मों का बंधन देगी कहां भाग के जाएगा तू मुझसे निकल कर जाएगा इतना आसान है क्या लेकिन जब उसे समझ में एक बार आ गया अगर उसके दिमाग में यह बात बैठ गई कि भाई यह काल चक्र है इसमें कुछ रखा नहीं है हर आसक्ति अंततः दुख का रूप धारण करती है और हमें दुख ही देती है जब वो इसके बाद जब दिमाग में यह बात बैठ गई नाउ ही विल स्टार्ट टू सर्च पाथ वो सच्चे दिल से हृदय से पूरी भावना से मार्ग ढूंढेगा मार्ग पे चलना शुरू करेगा और चलते हुए भी गिरेगा कई बार चलते हुए भी कई बार गिरेगा वो लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ जाएगा अगर उसके अंदर आगे बढ़ने की इच्छा है तो जबरदस्ती नहीं लेकिन लोग जबरदस्ती करने में लगे रहते हैं मेकअप मारने में लगे रहते हैं इसीलिए दुनिया की नजरों में संत कहलाना दुनिया की नजरों में अपने भक्त वाली छवि बनाना आसान काम है ध्यान रखिएगा ईश्वर के नजरों में या फिर तुम स्वयं अपनी नजरों में एक संत बन पाओ एक सही मायने में योगी बन पाओ बहुत कठिन काम है आसान नहीं है यह दुनिया की नजर में योगी बनना चाहते हो ना आदि गुरु शंकराचार्य ने क्या कहा जटलो मुंडी केश उदर निमित्तम जटिलो मुंडी लुंचित, लुंचित जटाएं बढ़ा लेते हैं लोग मूंड मुंडवा लेते हैं लोग माथे पे तिलक लगा लेते हैं लोग काशाए वस्त्र धारण कर लेते हैं लोग बहुकृत वेश अनेक वेक्ष धारण कर लेते हैं लोग दुनिया उन्हें संत मानने लग जाती है दुनिया उन्हें योगी मानने लग जाती है कोई बड़ी बात नहीं है कोई बड़ी बात नहीं लेकिन तुम जानते हो कि तुम कौन हो तुम योगी हो या नहीं हो ठीक है इसलिए योग के साथ कोई बेमानी नहीं हो सकती यह ध्यान रखिएगा अगर आप योग के साथ बेमानी करेंगे तो आप अपने आप से बेईमानी करेंगे जो व्यक्ति योगी नहीं है और योगी होने का प्रदर्शन करने में लगा हुआ है तो वो किसी को धोखा नहीं दे रहा सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहा ये ध्यान रखिएगा और योगी होने के लिए क्या करना पड़ता है भाई घर छोड़ना पड़ता है क्या अनारी मुई घर संपत्ति नासी मुंड मुड़ा भाई संन्यासी क्या श्री कृष्ण क्या गीता पढ़ते हो समझ में नहीं आता क्या श्री कृष्ण समझाने में लगे हुए हैं अर्जुन को संन्यास क्या है योग क्या है अनाशता कर्म फलम कार्यम कर्म करोती सन्यासी च योगी अगर ऐसा होता तो योग एक समझ है एक अंडरस्टैंडिंग है वो समझ पहले विकसित होनी चाहिए वो अंडरस्टैंडिंग पहले डेवलप होनी चाहिए अगर वो डेवलप नहीं होगा अंडरस्टैंडिंग वो समझ विकसित नहीं होगी योग की तो बाहर से कुछ भी कर लो ठीक है जटाएं बढ़ा लो या घर छोड़ दो या जटाएं सिर के बाल मुंडवा लो ठीक ना डांसिंग मॉन्क बन जाओ डांसिंग मॉन्क कितना भी डांस कर लो योगी नहीं बन पाओगे कितना भी नाच लो योगी नहीं बन पाओगे तो कुछ भी कर लो योगी होना एक अलग विषय है इट इज अंडरस्टैंडिंग यह एक समझ पैदा होती है जो जबरदस्ती भी पैदा नहीं होती वो जीवन के अनुभव से ही पैदा होती है जीवन के मीठे कड़वे अनुभव जीवन के मीठे कड़वे अनुभव जो है उसी से वो समझ पैदा होती है और जब समझ में आ जाता है प्रकृति का चाल इसे माया का चक्र जब समझ में आ जाता है तो फिर इच्छा पैदा होती है स्वाभाविक इच्छा कि इससे बाहर निकलो हमारे साथ छल हो रहा है माया हमें फंसा रही है बार बार इससे बाहर निकलने का एक स्वाभाविक इच्छा जबरदस्ती वाली इच्छा नहीं गुरु जी ने जबरदस्ती कह दिया है तो इसलिए नहीं एक स्वाभाविक इच्छा जब पैदा हो जाती है तो फिर आदमी सही रास्ता ढूंढता है और उस रास्ते पर चल पड़ता है अजामिल का कल्याण हुआ क्यों कल्याण हुआ क्यों अजामिल का कल्याण हुआ क्यों गणिका का कल्याण हो गया सोच सकते हो क्यों दत्तात्रेय जी ने एक व्याश्या को भी अपना गुरु मान लिया बहुत सारी बातें हैं समझ में नहीं आएंगी ठीक है अजामिल तो गलत संगत में पड़ गया था वैश्यावृत्ति में पड़ गया था लेकिन ध्यान रखिए एक बात यही यहीं पर समझने वाली बात है तो लोग क्या कहेंगे सीधा एक बात कह दी जाती है कुप मंडूक कुएं मंडूक और जो है कुएं के मंडूक हम बनने के लिए तैयार रहते हैं हमेशा कि कुएं के मेंढक बन जाते हैं तो इसीलिए हम स्वीकार कर लेते हैं कहानियां सुना दिया नारायण नारायण अंत में किया इसलिए उसकी मुक्ति हो गई जी अरे तो फिर क्या इतना पतंजलि को इतना मेहनत करने की क्या आवश्यकता थी भाई इतना योग विज्ञान लिखने की इतने बड़े बड़े ग्रंथ रचने की क्या जरूरत थी फिर अगर मात्र नारायण नारायण कहने से ही मुक्ति हो जाती है तो क्या भगवान कृष्ण को यह लिखने की क्या जरूरत थी यम यम वापिस व्रम भावम तेजंत कलेवरम व्रम तम तमे वेती कौन भाव सदाविता भगवान कृष्ण को यह कहने की आवश्यकता क्या थी अभ्यास कर अभ्यास कर अभ्यासी बनाने की जरूरत क्या थी अगर मात्र अंत समय में नारायण नारायण कर देने से मोक्ष हो जाए तो जी नहीं नारायण मुंह से निकलना महत्व नहीं है भावना का महत्व है भावना का महत्व है अजामिल एक योगी था अजामिल एक योगी था और साधारण योगी नहीं था अजामिल एक योगी था उसे पूरी समझ थी कि माया क्या है योग क्या है मोक्ष क्या है आत्मा क्या है जीव क्या है उसको इन बातों की पूरी समझ थी अजामिल को इसीलिए बाहर से तो दिखाई दे रहा था कि अजामिल वैश्याओं के चक्कर में पड़ गया है बाहर से दिखाई दे रहा था लेकिन अंदर अंदर अजामिल को समझ था कि प्रकृति मेरे ऊपर काम कर रही है मुझे इस वैश्यावृत्ति में लगा रही है फर्क होता इसीलिए मैंने कहा ना कि जब अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है चीजों को देखने का तरीका बदल जाता है भोग करते हुए भी योगी योग में लगा होता है ठीक है तो भोग करते हुए भी उसके दिमाग में वो बना रहता है कि भाई यह सब तो माया का चक्कर है यह सबसे बड़ी बात ठीक ना तो इसीलिए अजामिल को अच्छे से हर बात की समझ थी अजामिल बढ़िया से हर विषय को समझ रहा था इसीलिए जब संत उसके पास आए और फिर से उन्होंने उसे कहा कि भाई तुम ऐसे अपने पुत्र का नाम नारायण रखो तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी अजामिल के लिए वो कार्य बाधा नहीं थी ठीक तो इसीलिए हमें विचार कृतिक रूप से जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है वो बहुत जरूरी है अगर वो नहीं होगा अगर हम नहीं समझेंगे तो इसीलिए सर्वप्रथम ध्यान योग को हम अपने जीवन का अंग बना लें अंग भी तभी बनेगा जब हमें इसकी पूर्ण आवश्यकता महसूस होगी कि हां भाई हमें तो ध्यान योग हमें अगर जीवन में शांति चाहिए जीवन को एक संतुलन की अवस्था में बनाए रखना है तो साधना जरूरी है ध्यान योग जरूरी है जीवन को एक संतुलन की अवस्था में बनाए रखना है तो ध्यान योग जरूरी है तो वह मुक्ति की ओर कदम होगा वह मुक्ति की और इसके लिए कोई बहुत आप बहुत कुछ छोड़ोगे बहुत कुछ त्याग करो, कुछ छोड़ने त्याग करने की जरूरत नहीं ये समझ लीजिए जहां आप हैं बस एक समझ विकसित होनी चाहिए समझ विकसित होनी चाहिए अगर समझ विकसित हो जाएगी तो फिर कोई दिक्कत नहीं अगर समझ विकसित नहीं हुई हम योग करेंगे हमें कुंडलिनी जागरण करना है हमारे अंदर कोई रिद्धि सिद्धि आ जाए हमको वशीकरण करना आ जाए अब एक लड़का आया कि वो बस ध्यान सीखना चाहता था मंत्र जाप से वो वशीकरण करना चाहता था मैंने बताया था कुछ दिन पहले आपको तो कुंडलिनी जागृत कर देना है शक्तियां प्राप्त कर लेनी है वशीकरण कर लेना है जी नहीं कुछ भी कर लो माया तो माया ही है और वह उसी ढंग से काम करने वाली है अंततः हर चीज को दुख का रूप देने वाली है तो इसीलिए योग का मार्ग हमारे ये तथ्य जो है हमें अब इस पर हम विचार करते हैं थोड़ा सा बीच बीच में डिस्कनेक्शन आ जा रहा है डिस्कनेक्ट हो रहा है इसी कारण से आपको बफरिंग दिखाई दे रहा होगा डिस्टर्बेंस आ रहा होगा लेकिन इसके लिए आप चिंतित ना हो चल पड़ रहा है फिर से तो उससे आप जुड़े रहें कनेक्शन कनेक्शन में रहें कनेक्टेड रहें बने रहें ठीक है चलिए तो अब बात आती है मोक्ष की मोक्ष की बात आती है तो मोक्ष की अवधारणा को लेकर देखिए कैसे विचार मैं कुछ तीन तरह के विचार में आपको आज रखने वाला हूं जीव की मुक्ति जब हो जाती है जब उसका मोक्ष होता है तो एक विचारधारा क्या कहती है कि वह ब्रह्म लीन होगा उसका लय होगा कैसे लय होगा जैसे नदी जो है समुन्द्र में जाके मिल जाती है और समुंदर हो जाती है एक विचारधारा है कि नदी समुंदर में जाके मिल जाती है और उसका लय समुंदर में हो गया वो समुन्दर हो गई जी एक ये विचारधारा दूसरी विचारधारा क्या कहती जी नहीं जीव कभी ब्रह्म बन ही नहीं सकता नेवर कभी नहीं जीव हमेशा जीव रहेगा मैं कहूं मेरे अगर मैं आपको तो बताऊं दुनिया की सबसे दुखी करने वाली विचारधारा मुझे ये लगती है कि जीव हमेशा जीव रहेगा फिर मत करो ना कोई प्रयास क्यों कर रहे हो प्रयास कर रहे जब जीव को जीव ही बने रहना है उसे जीव क्या है अहंकार युक्त है संकल्प युक्त है गुण युक्त है साफ साफ उपनिषद के अंदर लिखा जा रहा है यह शास्त्र वाणी है अगर जीव है तो संकल्प युक्त होगा अहंकार युक्त होगा गुण युक्त रहेगा ही रहेगा नहीं रहने का प्रश्न ही नहीं है तो अगर जीव ही बने रहना है तो छोड़ो भक्ति योग करने की जरूरत ही क्या है तो जहां भी द्वैत है जहां भी त्रैत है वहां दुख है दुखों का कारण ही यही मान्यता अरे भाई ये संपूर्ण चीज अगर भिन्नताएं दिखाई दे रही हैं अगर जीव और परमात्मा की भिन्नताएं दिखाई दे रही हैं तो ये इंद्रियों के कारण है इंद्रियों का दोष है ये हमेशा इंद्रियों के विज्ञान को भूल जाते हो क्या देते हो कि अरे अपवित्र वस्तु में परमात्मा कैसे हो सकता है वो तो अपवित्र है अरे किसी वस्तु का पवित्र होना किसी वस्तु का अपवित्र होना किसी वस्तु का शुभ होना अशुभ होना तुम्हारे इंद्रियों का विषय है भाई तुम्हारे इंद्रियों का विषय है ये लेकिन परमात्मा इंद्रियातीत गुणातीत भावातीत उसकी तुलना इस इंद्रिय जगत में करने लग जाते हो इसी ये महामूर्खता यहां पे हो जाती है ठीक है तो जीव कभी ब्रह्म में लीन नहीं होगा यह अब्राहमिक थॉट है दिस इज अब्राहमिक थॉट ठीक तो एक और चलो मैं एक और बात आपको बताता हूं एक विचारधारा दो विचारधाराओं की मैंने बात कर दी एक विचारधारा और है इसमें जो कि अष्टावक्र महागीता की अष्टावक्र महागीता किस विषय को मानता है जी नहीं दोनों ही बातें गलत है जीव हमेशा जीव रहेगा यह भी गलत है ब्रह्म ब्रह्म के साथ वो नहीं मिलने वाला ये भी गलत है और ये भी गलत है कि वो ब्रह्मलीन होगा यह भी गलत है कि वो ब्रह्मलीन होगा उसका लय ब्रह्म में होगा यह भी गलत है और सही पूछो तो सही विचारधारा यही है भाई साहब लय की कोई आवश्यकता ही नहीं है लीन होने की कोई आवश्यकता है ही नहीं बल्ब निकाल दो पंखा निकाल दो बिजली को क्या फर्क पड़ता है तार में तो बिजली दौड़ेगी ना शुद्ध रूप में दौड़ेगी ठीक है अगर मान लीजिए कि आपने बल्ब निकाल दिया फैन निकाल दिया तो बिजली नहीं दौड़ेगी क्या बिजली तो दौड़ेगी पंखा ही तो निकला है बल्ब ही तो निकला है बिजली अपनी जगह पर रहेगी तो जब सारे आवरण हटा दिए अहंकार खत्म गुण खत्म चित्त का लय चित्त भी अपना अस्तित्व खो दे मन भी ना रहे तो जब ये सारे जीव आवरण का नाम ही जीव है जब सारे आवरण हट गए तो ब्रह्म तो बचेगा ही बचेगा आत्मा तो बचेगा ही बचेगा वही तो शेष है जिसपे ये धरती टिकी हुई है शेषनाथ के ऊपर वही वो ब्रह्म ही तो शेष है भाई तो लीन होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता फिर लीन होने की कोई जरूरत ही नहीं है ना फिर लीन क्यों हो जाओगे लीन होने का मतलब ही नहीं है लेकिन समझाने के लिए कह दिया जाता है कि तुम लीन हो जाओ जैसे नदी अब कैसे समझाया जाए कोई उदाहरण ना मिले तो भाई चलो नदी जैसे समंदर में मिल जाती है समंदर हो जाती है वैसे तुम भी मोक्ष में हो जाओगे लेकिन अश्चावक्र महागीता क्या बात समझाती है कि ना तुम्हारा लीन होने का कोई मतलब है और ना ही जीव तो जीव रहेगा ये तो मानने वाली बात ही नहीं है जीव का मोक्ष होगा अब लोग बोलेंगे नहीं नहीं जीव सनातन तत्व है जीव को सनातन लिखा गया है बिल्कुल सही बात है जीव सनातन ही है जीव सनातन ही है, सनातन ही है सौ प्रतिशत जीव सनातन है भाई लेकिन तुमने मोक्ष को विनाश क्यों समझ लिया तुमने मोक्ष को विनाश क्यों समझ लिया तुम्हारी गलती है ना तुम जीव कभी नष्ट नहीं होगा अरे भाई नष्ट नहीं होगा सही है मोक्ष होने का मतलब नष्ट होना नहीं होता लय होने का मतलब नष्ट अगर नदी समंदर में मिलती है अपनी पूर्णता को प्राप्त करती है बर्बाद थोड़ी ना हो जाती है बाहरी चीज है ये नदी और समंदर का विषय बाहरी है लेकिन जीव ब्रह्म में मिलकर अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है भाई तुम उसको विनाश से उसकी तुलना तुम विनाश से कर रहे हो उसकी तुलना तुम उसके अस्तित्व को खत्म होना मान रहे हो अरे वो उसके अस्तित्व मोक्ष है मोक्ष की प्राप्ति जीव के अस्तित्व की पूर्णता है तुम उसकी तुलना खत्म होने से कर रहे हो कि नहीं नहीं जीव तो हमेशा जीव ही रहेगा ठीक है विदेशी विचारधारा से प्रभावित हो तुम सीधी सी बात तो जो मान्यता है अद्वैत की जो राजा जनक अष्टावक्र महागीता मैंने कहा था एक बार एक श्रृंखला मैंने आपको बताई थी जनक की शिष्य परंपरा की श्रृंखला गुरु शिष्य परंपरा जनक सुखदेव मुनि गौड़पाद गोविंदपाद आदि गुरु शंकराचार्य इस श्रृंखला में आते हैं इसीलिए बातें वैसी हैं इसलिए राजा जनक कहते हैं लीन होना भी गलत चीज है लीन होने का कोई मतलब ही नहीं निकलता क्योंकि तुम हो आत्मा तुम हो ब्रह्म जब तुम ब्रह्म हो तो लीन कहां होने जाओगे भाई तुम खुद ही ब्रह्म हो अहम ब्रह्मास्मि की धारणा है अष्टावक्र महागीता गीता में तो जब तुम स्वयं ब्रह्म हो तो तुम्हारे लीन होने का कोई मतलब नहीं बस तुम अपने शुद्ध स्वरूप में पहुंच जाओगे यही महर्षि पतंजलि कहते हैं तद स्वरूपे अवस्थानाम तुम अपने शुद्ध स्वरूप में इन योर रियल सेल्फ दैट इज आत्मा दैट इज ब्रह्म यू विल रिसाइड इन योर रियल सेल्फ दैट ऑल यही मोक्ष है कहीं कोई लय नहीं होना है और कहीं कोई जीव और जीवत्व वाली कोई बात नहीं अपने वास्तविक स्वरूप में पहुंच जाओगे वही ब्रह्म है वो सर्वव्यापी है फिर ये शरीर का आवरण इंद्रियों का आवरण गुणों का आवरण कर्म संस्कारों का आवरण अहंकार का आवरण सारे आवरणों का निरोध हो जाएगा तुम शुद्ध रूप हो जाओगे वो जो तुम्हारा शुद्ध स्वरूप है वही ब्रह्म है वही आत्मा है तो कहीं लीन होने की जरूरत नहीं है और जीव के बने रहने की भी आवश्यकता नहीं है जीव के बने रहने की भी आवश्यकता नहीं है इसलिए उपनिषद तुम्हें भिखारी नहीं बनाते कि तुम किसी दंडधारी आकाश में बैठा हुआ कोई भगवान कोई परमात्मा डंडा लेकर बैठा हुआ है तुम भीख मांगो उससे तुम उससे भीख मांगो उपनिषद ऐसी शिक्षा नहीं देते ठीक ना भिखारी नहीं बनाते तो इसीलिए साधना करो उपनिषद ध्यान योग का मार्ग दिखाते हैं कि ध्यान योग शुरू करो अपने स्वरूप की उपलब्धि करो अपने स्वरूप को जानो ये उपनिषदों का लक्ष्य है इस मार्ग पर ले जाना इसीलिए यहां जीव की स्थिति को बताते हुए कहा जा रहा है यह अपर है यह पर नहीं है परमात्मा परा है परा विद्या के द्वारा तो जीव की गति अपर है परमात्मा से भिन्नता इसी कारण से है क्योंकि यह संकल्प और अहंकार से युक्त है यह बुद्धि और गुणों से युक्त है इंद्रियों से युक्त कर्म संस्कारों से युक्त है और यही जीव कर्म संस्कारों के वशीभूत पुनरअपि जर्णम पुनरअपि मरणम में भटकता रहता है बार बार अनेकानेक योनियों में जाना यह उसका चलता रहता है ठीक है जी यही आज का मुख्य विषय था थोड़ा सा व्यवधान बीच में आया बफरिंग थोड़ी सी आई चलिए कोई बात नहीं बाद में ठीक चला अब हम आपके प्रश्नों को देखेंगे जिज्ञासु ठीक है हो सकता है मित्रों की आज कुछ लोगों को प्रश्न करने में दिक्कत हो रही होगी क्योंकि अब जो है इस चैनल पर वही लोग प्रश्न करेंगे जा हो सकता है कि कभी कुछ मौका बाहर मिल जाए वही लोग प्रश्न कर पाएंगे जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा ठीक है जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है वही प्रश्न पूछने पूछ सकेंगे ठीक है तो इसीलिए अगर आप प्रश्न पूछना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले ठीक तो चलिए आगे देखते हैं आपके प्रश्न क्या प्रश्न है हुँ. और कमेंट्स कैसे हैं विक्रम सिंह जी अभिनंदन उदय शंकर जय श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ब्रह्म जिससे प्रकाशित होता है वह ज्योतिमय क्या श्री कृष्ण की अवस्था ब्रह्म से भी ऊपर है आप जो है साथ में ए, कुछ श्लोक और उसके आगे पीछे के भी श्लोक आप उसको पढ़िए और फिर बताइए के बाद किस ढंग से कहां पर कैसे लिखी गई है चर्चा करेंगे ठीक ना हाँ ब्रह्म को प्रकाशित किया जा रहा है कृष्ण के द्वारा ब्रह्म को प्रकाशित किया जा रहा है कृष्ण के द्वारा यह सत्य बात है लेकिन ब्रह्म तो निर्गुण है गुणातीत है तो प्रकाश कहां से होगा प्रकाश का तो गुण है प्रकाश का तो गुण है भाई प्रकाश सतोगुणी तत्व है प्रकाश जो है सतोगुणी तत्व माना गया है पतंजलि महर्षि पतंजलि ने लिखा हुआ इस विषय को ठीक है तो जब वो गुणातीत है तो कैसे प्रकाशित होगा फिर सोच लीजिए आप खुद ही तो प्रकाशित करने का तात्पर्य है कि श्री कृष्ण ब्रह्म को ब्रह्म के बारे में समझा रहे हैं बता रहे हैं बाकी वो श्लोक और उसके आगे पीछे के श्लोक उन दोनों को लेकर जब हम समझेंगे कि क्या परिवेश गीता में इसी बात को समझना है जब भी आप श्लोक का अर्थ लेते हैं उसका परिवेश समझिए जब भगवान स्वधर्म की बात करते हैं परधर्म की बात करते हैं तो किसको स्वधर्म कह रहे हैं किसको परधर्म कह रहे हैं उसको समझना हो इसलिए मैंने वीडियो में साफ कह दिया है कि भगवान ने अंत में जो स्वधर्म की चर्चा की है अर्जुन से उसके क्षत्रिय धर्म के लिए कहा है कि तेरे लिए क्षत्रिय होना स्वधर्म है इस समय युद्ध के लिए तैयार हो जा ठीक तो उसके परिवेश को भी समझना पड़ेगा नहीं तो गलत अर्थ निकालोगे भले अर्थ सुनने में बड़ा सुंदर लगे भले अर्थ सुनने में बड़ा वो लगे कि अरे भाई ये बात बड़ी अच्छी लग रही है सुनने में लेकिन गीता के परिवेश के अनुसार अर्थ गलत हो सकता है भले सुनने में भी अच्छा लगे तो भी क्योंकि तो आजकल क्या है ना एक महात्मा जी कहीं पर मैं गया वो नवे अध्याय पर प्रवचन कर रहे थे तो मैंने पूछा कि ये कौन है क्या बता रहे हैं तो उनके कुछ चेले थे उन्होंने कहा कि अरे बहुत पहुंचे हुए विद्वान हैं नवे अध्याय का नब्बे अर्थ उन्होंने निकाला है मैंने मेरे मुंह से सीधा उसी समय निकल गया ये तो बेड़ा गर्क हो जाएगा अगर नब्बे अर्थ समझ लेंगे तो अगर नब्बे अर्थ समझेंगे तो बेड़ा गर्क नहीं होगा तो और क्या होगा ठीक है एक जो अर्थ है वो सही अर्थ समझ में आ जाए उतना ही होना चाहिए गोपाल शर्मा जी सरोज कृष्णानी जी भूप सिंह खीचर जी रमेश चोपड़ा जी ब्रह्मपाल कुमार जी बहुत अभिनंदन स्मिता सावंत ओम तत्सत माधुरी कोल्हे जितेंद्र तवर, रचना आर के राजू पाल जी हरिओम तसत रमेश पेशवानी रूपलाल विश्वकर्मा रवि यादव सुधा अग्रवाल कुलदीप सिंह कृपा करें हमें पतंजलि योग शास्त्र में हमें कैसे प्राप्त होंगे उनकी कीमत क्या है प्राप्त हो जाएंगे आप व्याख्या भी सुन सकते हैं आगे और एक और व्याख्या हम पतंजलि पर आगे करेंगे तो उसका लाभ उठाइएगा नहीं तो आगे पीछे भी एक व्याख्या पड़ी हुई है सुन सकते हैं चंद्रेश्वर पांडे जी कालिंद्र सेठ जी योगेंद्र पांडे जी स्मिता सावंत जी इस विषय के अनुसार प्रश्न नहीं है मेरा प्रश्न यह है कि बालक ध्रुव ने घोर तपश्चर्या करने के बाद उस अढ़ल स्थान प्राप्त हुआ जो कि वही ध्रुव तारा के नाम से जानते हैं तो क्या उसके पहले ध्रुव तारा नहीं था जी नहीं एक तारा को ब, ये एक सांकेतिक नाम है ये हमें कथाओं में अगर तारा ही बनना है तो क्यों अगर स्थूल ही बनना है तो क्यों ठीक है इसीलिए उस तारे को क्योंकि वो जियो स्टेशनरी स्टार है ध्रुव तारा जो है जियो स्टेशनरी समझते हैं एक होते हैं सैटेलाइट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होते हैं कि वो पृथ्वी के पोजीशन के अनुसार घूमते रहते हैं मान लीजिए एक सैटेलाइट दिल्ली शहर के ऊपर सीधा गया आकाश में पूरे इंडिया को कवर कर रहा है अब वो क्या करेगा जैसे जैसे पृथ्वी घूमेगी वो भी साथ में घूमता रहेगा पृथ्वी के साथ साथ तो वो हमेशा एक ही जगह पे दिखाई देगी ठीक है उसकी पोजीशन हमेशा एक ही होगी बदलती हुई नजर नहीं आएगी तो ध्रुव का जो अटल विश्वास था ध्रुव की जो तपस्या थी वो उस ध्रुव तारे के समान थी ध्रुव का जो संकल्प था अपनी साधना का अपनी तपस्या का उसे ध्रुव तारे के समान थी इसीलिए कह दिया गया कि भाई ध्रुव जो है वो तपस्या कर कर वो जी नहीं ध्रुव ने तो परमधाम को प्राप्त किया ठीक है ये कहना उचित नहीं होगा कि वो तारा बन गया तो क्या तारे बनने के लिए लोग साधनाएं करते हैं क्या तपस्या करते हैं क्या इसीलिए शास्त्रों को मैं क्यों बार बार कहता हूं शास्त्रों को समझिए आप शास्त्र छोड़ देते हैं सीधा कथा कथा पर चले जाते हैं अच्छा ये घटना हुई थी अच्छा पांडव ने यह किया था अच्छा द्रौपदी ने यह किया अच्छा वेद व्यास ने नियोजन किया अच्छा शांतनु ने यह वरदान दे दिया था कुछ समझ में नहीं आने वाला कुछ भी पल्ले नहीं पढ़ने वाला ध्यान रखिएगा उल्टा भ्रम और होने वाला है क्योंकि तुम शास्त्र नहीं पढ़ते आप सूत्र नहीं पढ़ते आप सांख्य नहीं पढ़ते आप योग नहीं पढ़ते आप न्याय नहीं पढ़ते आप मीमांसा नहीं पढ़ते आप वेदांत नहीं पढ़ते आप पढ़ोगे कहानी आप पढ़ोगे लीला और फिर उसी को जीवन का सूत्र मानना शुरू करोगे तो फिर गड़बड़ तो होना है गड़बड़ तो फिर होना ही होना है तो इसीलिए शास्त्र पढ़ने क्योंकि जब साहित्य रचना होती है शास्त्र साहित्यिक रचनाएं नहीं है ठीक ना शास्त्र टेक्स्ट हैं शास्त्र सूत्र हैं तो इसीलिए हमें उनके माध्यम से ही आगे बढ़ना चाहिए उनको हम समझ लेंगे ना तो ये कथाएं भी अच्छे से समझ में आएंगे ये कथाएं भी अच्छे से समझ में आएंगी ध्रुव ने परम धाम को प्राप्त किया ध्रुव की तपस्या ध्रुव तारे के समान उसकी तुलना की जाती है उपमा दी गई है उपमा ठीक ना उपमा दी गई है तो जैसे कि हम किसी को उपमा देते हैं चांद सा चेहरा बड़ा सुंदर है बड़ा गोरा है तो हम कहेंगे चांद सा चेहरा ऐसे हम बोल देंगे तो ये उपमा देने का तरीका है तो वह एक उपमा मात्र है ध्रुव तारा से ध्रुव भक्त ध्रुव की तुलना करना ऐसा क्या फायदा फिर फिर मतलब उनकी तपस्या का फायदा ही क्यों अगर तारा ही बनना है तो, तो वो परम धाम को प्राप्त होंगे परम धाम को राम निवास मीना जय श्री कृष्ण गुरु जी बलदाऊनाथ योगी विश्व यात्री जगत नारायण पिंटू वासवा कन्हई कुमार सोमनाथ शिंदे जी जलाराम रायका जी एस के मिन्हास जी दर्शन पटेल जी गोवर्धन भाई पोलरा जी पंकज मिश्रा जी पंकज रघुवंशी जी सतीश कुमार विनोद कुमार शर्मा गोवर्धन भाई पोलरा जी स्वामी जी वासना कैसे दूर करें योग करो भाई समझो माया को समझो वासना को भी समझो कैसे काम करता है मन बुद्धि कैसे काम करती है विचारों का प्रवाह कैसे होता है इस समझना तो पड़ेगा ना यही योग साहित्य है यही योग सूत्र है अमृतपाल पालप्री गुरुवार अगर कणकण में परमात्मा है तो परमात्मा की पूजा क्यों जब हमारी देह के कणकण में भगवान है तो फिर पूजा क्यों पूजा किसकी भगवान भगवान की पूजा कैसे करे भगवान भगवान की पूजा नहीं करता जीव भगवान की पूजा करता सुनिए ठीक है मैं कह दूं कि हवा में पानी है तो हैंडपंप की क्या जरूरत अगर कह दूं कि हवा में पानी है तो बात गलत हो जाएगी क्या जी नहीं वैज्ञानिक प्रूफ करके दिखा देंगे हवा में पानी है बिल्कुल है सौ प्रतिशत है हंड्रेड परसेंट है लेकिन अब हैंडपंप लगाओगे पानी पीने के लिए फिल्टर लगाओगे कनेक्शन लोगे टंकी बिठाओगे आजकल बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में अब कहाँ उतना पाइपलाइन आदमी खींचेगा मशीनें आ गई हैं जो हवा को पानी में कन्वर्ट कन्वर्ट कर देती हैं ऐसी मशीनें आ गई हैं जो वायु से एयर से पानी बना देती हैं क्योंकि हवा में पानी होता है बस उसको निकालना ही तो है ना तो एयर से पानी बनाने वाली मशीनें आ चुके बड़े बड़े ऑफिसों में कार्यालयों में कॉरपोरेट ऑफिस में लगती हैं ऐसी मशीनें समझ रहे हैं बात आप परवश हैं क्योंकि आप जीव हैं भगवान हैं आप लेकिन आप जानते नहीं क्या भगवान ऐसा बोल देने से ऐसा पढ़ लेने से तो नहीं हो जाएगा ना साधना करनी पड़ेगी क्यों यहां पर इतने दिनों से ध्यान योग साधना की चर्चा क्यों होती है तो सारी बातें बिना साधना किए जानना चाहते हो समस्या यहां पर इसमें परमात्मा की पूजा नहीं होती कई बार बोल चुके हैं अमृतपाल जी अगर सुनते हैं ध्यान से तो कई बार बोल चुके परमात्मा की पूजा नहीं होती पूजा देवताओं की होती परमात्मा के लिए ध्यान होगा ध्यान पूजा देवों की होगी भगवान की होगी लेकिन ध्यान होगा अगर परमात्मा को जानना है तो ध्यान योग करना पड़ेगा ब्रह्म तक पहुंचने के लिए और ब्रह्म तो सर्वव्यापी है ही भगवान भगवान की पूजा करे भगवान भगवान की कहाँ पूजा करता है भक्त भगवान की कर ठीक है तो इसीलिए यह तथ्य समझना है। तो हवा में पानी तो चारों तरफ है लेकिन पानी मिलता नहीं है तो ध्यान योग करने से ही उस ब्रह्म तक हमारी पहुंच बन सकती है दूसरा कोई तरीका नहीं है दूसरा कोई विधि नहीं है ठीक है यह समझ लीजिए ये हमें करने की जरूरत है क्योंकि तो हम इंद्रियवश हैं हम इंद्रियवश हैं ठीक है अब तो अब तो विज्ञान तो ये कहता है मानव मस्तिष्क के अंदर असीम शक्तियां हैं तो क्या असीम शक्तियां आपने प्राप्त कर ली आप अपने आप को जरा देखो आप खाना डालते हो भोजन जो है पेट में जाता है आंतों में जाता है कुछ करते हो क्या सब कुछ अपने आप होता है दुनिया की छोड़ दो तुम अपने बारे में कितना जानते हो और अपने बारे में आत्मा मन बुद्धि को छोड़ दो बहुत सूक्ष्म चीजें हैं अपने शरीर को देखो शरीर के बारे में कितना जानते हो तुम्हारे शरीर के अंदर एक अंग है हार्ट हमेशा धड़कता रहता है बीट करता रहता है तुम्हें इसका भान रहता है क्या अगर भान रहेगा तो कोई काम कर पाओगे लेकिन वो मशीन अंदर ही अंदर काम करता रहता है और तुम यहां दुनिया जीतने का प्लान बनाते हो कि लखपति बन जाऊं करोड़पति बन जाऊं उसको कंट्रोल में कर लूं सबको कंट्रोल में कर लूं अरे भैया तुम्हारे अंदर जो तुम्हारा हार्ट है तुम्हारी आते हैं वही तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है जाकर ध्यान से देखो झांको अपने भीतर ठीक है और रही बात भगवान तो बहुत दूर की चीज हो गई परमात्मा तो बहुत दूर की चीज हो गई फिर तुम हो क्या वास्तविकता में ठीक तो भगवान तो सर्वव्यापी ब्रह्म तो सर्वव्यापी है ब्रह्म तो परमात्मा तो सर्वव्यापी ही है तुम भी वही हो लेकिन पूजा उसे करना है जो बंधन में है जो इंद्रियों के वशीभूत है और पूजा क्या चीज है अभी ये भी समझ में नहीं आया समस्या तो ये है कितनी बार बता चुके हैं पूजा नरक से मुक्ति का मार्ग है पुण्य का पुण्य का मार्ग है पूजा और मोक्ष का मार्ग तो आत्मज्ञान है ध्यान योग है इदम तीर्थ मदम तीर्थ तामसा जना तीर्थम न जानंती कथम मोक्षम वराणे शिव माता पार्वती से कहते हैं भगवान शिव बहुत सारे तीर्थों की यात्रा करने वाले वो तामसी लोग आत्म तीर्थ को नहीं जानते और जो आत्म तीर्थ को नहीं जानते हे पार्वती उनके लिए मोक्ष कहां है कथम मोक्षम वर्णने उनके लिए कहीं मोक्ष नहीं होता क्योंकि वो आत्म तीर्थ को नहीं जानते तो तीर्थ को जानना पड़ेगा ना ध्यान योग करना पड़ेगा भगवान सर्वव्यापी है पानी भी सर्वव्यापी है हवा में भी पानी है लेकिन पी लो पी सकते हो क्या हवा से पानी पीकर दिखाओ नहीं पी सकते वैसे वो ब्रह्म भी सर्वव्यापी है पहुंचना पड़ेगा ना अपनी सूक्ष्मता को वहां तक ले जाना पड़ेगा अपनी एकाग्रता को वहां तक पहुंचाना पड़ेगा इसीलिए ध्यान योग का मार्ग बताया जा रहा है क्यों पतंजलि शास्त्र रचना कर रहे हैं अष्टांग योग का विज्ञान बता रहे हैं ठीक चलिए अच्छी बात है प्रश्न अच्छा है आपका अमृतपाल सिंह चलिए विमला शाह जी ओम तत्सत गंभीर शाह सुरेश माने गुरुजी प्रणाम जीव का काल से क्या संबंध है काल के वशीभूत है काल का अधिमध्य अंत गति के बारे में प्रकाश डालिए काल के वशीभूत जीव है ठीक है काल के वशीभूत उसके गुणों में परिवर्तन आते रहते हैं कभी सतोगुण के वशीभूत है कभी रजोगुण के वशीभूत है कभी तमोगुण के वशीभूत है कभी सतोगुण बढ़ गया तो रजोगुण घट गया तो रजोगुण बढ़ा तो तमोगुण घटा तो कोई घटा कोई बढ़ा और उसके अनेकानेक कर्म होते जाते हैं और परिवर्तन आते जाते हैं परिवर्तन आते जाते हैं इंद्रिय जगत में क्योंकि इन सबका अस्तित्व इंद्रियों के अंदर है जहां इंद्रियों का निरोध हो गया वहां कुछ नहीं ठीक है जी चलिए केशव पटेल जी उषा श्रीवास्तव जी अलका काले जी ज्योन्ति दत्ता जी गणेश पवार जी जय माता की गोपाल शर्मा जी बहुत बहुत गहरे इशारे की चर्चा ठीक है जी सुंदरलाल वर्मा जी गुरु जी जीव की अपने गति को विस्तार से समझाने की कृपा करें हो गया बहुत अच्छा विश्लेषण ठीक है जीव और मन क्या है अलग अलग है क्या जी नहीं जीव और मन एक ही है ऐसा भी नहीं है मन जीव का एक अंग है अंतःकरण मन बुद्धि चित्र अहंकार अंताकरण चतुष्ट जिसको कहते हैं तो जीव अंतःकरण का एक अंग है मन जो है अंतःकरण का एक भाग है ठीक आर्य समाज में और आपके विचार में कोई विशेष भेद नहीं है मैं सनातन धर्म का रेस्पेक्ट करता हूं और करता रहूंगा जी ठीक जीवश मंडल सदर अभिनंदन भिन जी गुरु जी क्या जीव का साक्षात्कार ध्यान की एकाग्रता में होता है और आत्मा में लय होता है या साक्षात्कार जीव का साक्षात्कार ध्यान की एकाग्रता में होता जीव का साक्षात्कार हाँ ध्यान योग से हो जाता है बिल्कुल होता है ठीक है जीव की अवस्थाओं का साक्षात्कार सूक्ष्म शरीर का साक्षात्कार हो जाता है ध्यान के द्वारा और आत्मा में लय होता है आत्मा में अब फिर वही बात राजा जनक पर चले जाइए अश्चावक्र महागीता लय को नहीं माना गया है अभी तो मैंने क्लियर किया ना तीन बातें एक है लय एक है जीव कभी ब्रह्म में मिलेगा ही नहीं और एक है लय की क्या आवश्यकता वो, वो तो है ही ब्रह्म बस अपने शुद्ध स्वरूप में पहुंच जाना यही है इसलिए लय नहीं होता ये बात सही है किसी प्रकार का लय नहीं होता लय होने की आवश्यकता भी नहीं है एक एक्टर है और उसने भिखारी का रूप धारण कर लिया मेकअप कर लिया भिखारी वाला फटे कपड़े पहन लिए बाल उलझे हुए दुबला सूखा सा अब वो ऐसा एक्टिंग किया जा रहा है लेकिन सारे आवरण हटा दे तो वो जो है वो उसमें रहेगा ठीक है तो लय का कोई मतलब नहीं है ना फिर लय का कोई मतलब नहीं है लय क्यों होगा भाई तुम अपने शुद्ध स्वरूप में पहुंच जाओगे यही मुक्ति है चेतना के स्तर के बदलने से काल की गणना बदल जाती है विभूतिपाद वीडियो में आपने बताया है विस्तार से वीडियो लावे बता चुके कई बार बता चुके चेतना का स्तर जैसे कि एक स्थूल देह में एक गति है और एक सूक्ष्म गति है हिरण्य गर्भ में काल की गणना अलग है यहां अलग है यही कारण है जब ब्रह्मा जी जो भागवत महापुराण में कथा आती है कि जब ब्रह्मा जी गोकुल के बच्चों को उठाकर लेकर गए तो एक दिन के लिए उठाकर लेकर गए तब भगवान कृष्ण ने देखा कि ये तो ब्रह्मा जी सबको चुरा के लेगा तो भगवान ने सारे बच्चों का रूप धारण कर लिया कृष्ण ने अपने योग ऐश्वर्य से योग ऐश्वर्य मतलब योग सिद्धि जो अर्जुन से कहते हैं योग ऐश्वर्यम मैं तुझे योग ऐश्वर्य रूप दिखाऊंगा तो अपने योग ऐश्वर्य से भगवान ने अनेक रूप धारण कर लिए उस समय कथा आती है फिर ब्रह्मा जी एक दिन बाद लेकर आ गए जब वो एक दिन बाद लेकर आए तो यहां पर एक वर्ष बीत गया पृथ्वी पर एक वर्ष बीत गया तो ब्रह्मा का लोक हिरण्य लोक है ब्रह्मा का जो लोक है वो हिरण्य लोक है सूक्ष्म लोक है वहां काल की गणना अलग है इसीलिए मैंने कहा था दो मिनट का सपना देखोगे एक घटना जो कि दो मिनट में घट जानी चाहिए तुमने एक सपना में देख लिया वो उस घटना को देखा लेकिन बाहर में दो घंटे बीत जाएंगे तो स्वप्न की अवस्था में काल की गति कुछ और होती है और स्थूल जगत में काल की गति कुछ और होती है ये बात है यहाँ फास्ट होता है काल टाइम स्पीडली चेंज होता है वहां नहीं स्लो होता है बस यही चीज है जीव स्त्री और आत्मा स्वामी विशाल रूप में परम जीव स्त्री और परमात्मा स्वामी कृपया चिंतन मनन कीजिए मेरी आपसे रही मिलती चलो ठीक है स्त्री कैसे हो गया मतलब जीव स्त्रीलिंग बता रहे हैं अब उपनिषदों में कई जगह ब्रह्म को भी स्त्रीलिंग कहा गया क्या क्योंकि ब्रह्म योनि की बात की गई है ब्रह्मलिंग की बात नहीं हुई है योनि की बात जरूर हुई है तो नमस्ते आचार्य जी जो मंत्र पर आपने चर्चा की उस मंत्र के अंतिम भाग में जो अराग्रहों मात्रो है परोपी दृष्टि किसकी सूक्ष्म दृष्टि के लिए कहा गया ठीक है कि वह अत्यंत सूक्ष्म है सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है जो अंत में कहा गया है इस श्लोक के अंतर्गत उसको मैंने बोल दिया है लेकिन संक्षिप्त में बोला है अराग्र मात्र सूझे की नोक जैसे सूक्ष्म व वा, आकार वाला वो अत्यंत सूक्ष्म है ठीक है ऐसा अपर अपि ही निसंदेह दृष्ट जिसको देखा गया है जिसको ज्ञानियों के द्वारा जाना गया है ठीक है वह अत्यंत सूक्ष्म है उसकी जो गति है सूक्ष्म गति है जीव स्थूल नहीं है बस यही समझ में जीव स्थूल तत्व नहीं है जैसे हार्ड मांस का शरीर स्थूल है ना तो यह जीव नहीं है हाँ जीव का अधिकार इसके ऊपर है तो वह अत्यंत ही सूक्ष्म है कहने का तात्पर्य यह है तुम चाहो कि अपनी आंखों से जीव को समझ लोगे तो संभव नहीं दयानंद परमानंद गुरुदेव आप कितना सत्या बोलते हो आपकी आवाज देश के कोने कोने में पहुंचनी चाहिए ठीक है जी आप लोग प्रयास करें अगर आपको लगता है कि पहुंचनी चाहिए मुझे लगता है ये महत्व नहीं रखता आपको लगता है कि आपको लगता है कि इस ज्ञान की आवश्यकता है लोगों को जानना चाहिए तो आप भी कुछ प्रयास कीजिए जरूर वीडियोस को लोगों तक पहुंचाइए जय गुरुदेव मैं बाबा गोपाल दास त्यागी ठीक है अमिता पंडा जी अभिनंदन है गोपाल दास जी आपका अमिताभ पंडा जी अभिनंदन संजय गौतम हम हिंदुओं के पास चार वेद बाईस बारह उपनिषद शास्त्र छह पुराण है फिर भी एक देश है उनके पास एक पुराण छप्पन देश ये कोई मतलब नहीं है छप्पन देश होकर भी वो हमारी जैसी अस्तित्व को नहीं रखते हैं छप्पन देश हो, हो जाने से क्या हो जाएगा भाई ठीक है फिर भी बहुत भारी समस्याएं हैं अब देखिए एक बात है ये कितनी बड़ी विडंबना है कितनी बड़ी विडंबना है कि तो उनको छप्पन देश बनाने पर एक देश कर लो ना तुम सब तो एक ही हो ना सबको मिलाकर एक कंट्री बना लो एक शासन बना लो क्यों नहीं बना लेते छोटे 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 टुकड़े टुकड़े बना रखे हैं क्या फायदा ठीक है अगर इतनी ही एकता है इतनी ही ये ये सब एक बात ध्यान रखिए संजय गौतम जी सुनिए प्रवाह में बहिये मत एक सियार ने हुआ किया हुआ 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 हुआ, हुआ। हिंदू सोया हुआ है हिंदू सोया हुआ है हुआ 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 क्या है भाई ये सब अभी वो तैतीस कोटि देवी देवताओं वाला हुआ हुआ एक मैसेज चला सबने घुमा दिया अरे खुद तक कभी खुद से अनुसंधान किया आपने देवताओं के ऊपर तैतीस कोटी नामक कोई चीज होती है क्या ठीक है देवताओं की कोई गिनती नहीं होती देवता एक कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट पर उस कसौटी पर जो खड़ा उतरेगा वो देवता है बात खत्म इसलिए वनस्पति भी देवता है औषधि भी देवता है पीपल भी देवता है नीम भी देवता है आंवले की भी पूजा होती है अक्षय तृतीया में और फिर नदियां भी देवी हैं पहाड़ भी देव हैं क्यों देवताओं की गिनती करने के पीछे क्यों पड़े हुए क्या ये शास्त्र सम्मत है गिनती करना पहला आप शास्त्र सम्मत देव, देवता ढूंढते हैं पहले तो भी ये बात बताइए कि देवताओं की गिनती करना क्या शास्त्र सम्मत है क्या कहीं लिखा गया है कि देवताओं को गिन के रखो कितने कॉन्सेप्ट तुम्हारे बिगड़े हुए सियार की तरह हुआ हुआ ये हुआ हुआ है संजय गौतम जी आप जो लिख रहे हैं हम हिंदुओं के पास चार वेद बारह उपनिषद छह शास्त्र अठारह पुरान है फिर भी एक देश है उनके पास एक कुरान है छप्पन देश है तो भैया महामूर्खता है ना छप्पन देश है छप्पन को एक कर लो ना फिर अगर तुम्हारे अंदर एकता है अगर तुम्हारे अंदर ताकत है तो एक कर लो छप्पन को एक बना लो और दुनिया पे राज करो क्यों नहीं कर पा रहे तुम्हारी कमजोरी है कि तुम्हारे छप्पन देश है छोटे 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 दुबई क्या है भैया दिल्ली के बराबर है दिल्ली से थोड़ा सा बड़ा होगा मस्कट क्या है क्या क्या देश बना रखे हैं तुमने अगर तुम्हारी विचारधारा में एकता है एक कुरान होकर भी एकता नहीं तो संजय गौतम जी के तरह हुआ हुआ नहीं करना है किसी भी मैसेज पर विचार करना है चिंतन करना है हवा की तरह कोई भी उड़ रहा है तो नहीं उड़ा देना है अगर तुम्हें लगता है कि छप्पन देश होना उनकी बड़ाई है बड़ाई नहीं बेचती है तुम्हारे पास एक ग्रंथ है और तुम्हारे मुल्क छप्पन है भैया तुम्हारी ये बेचती है तुम संगठित हो जाओ ना फिर जब एक विचारधारा के हो तो एक हो जाओ फिर तो इस तरह की चर्चा ना करें मैं सीधी आपसे कह रहा हूं यही सब बातें प्रचलित हैं और युवा विचार नहीं करता है सियारों की तरह हुआ हुआ करना शुरू कर देता है गुंजन सिंह वघेला बानवीर गिरवार जी एन प्र, प्रधान जी जो अपने अभी समझाया क्या ईशा इश, उपनिषद के मंत्र हिरण्यमय पात्रेण से संबंध है जी हाँ उसी से है देवराज सिंह परशुरामचंद्र गुड़े विष्णु शर्मा गुरुदेव बुद्ध भगवान का अवतार है फिर चालीस वर्ष तपस्या क्यों करनी पड़ी सबको करनी पड़ती है जी सबको करनी पड़ती है ठीक है फिर भी कम करनी पड़ी चालीस वर्ष नहीं सात वर्ष गलत बोल रहे हैं आप चालीस वर्ष नहीं सात वर्ष ठीक है तो अजित कुमार किस्कू जी अमन कक्कर विष्णु शर्मा भक्त भगवान की पूजा करती है तो भगवान और भक्त अलग हुआ तो फिर कृष्ण आत्मा को अपना अंश कहते हैं तो फिर हम भी भगवान ही हुए क्या कृष्ण आत्मा को अपना अंश कहाँ कहते कृष्ण तो कहते अहम आत्मा गुड़ाकेश मैं ही आत्मा हूं सभी भूतों में स्थित आत्मा मैं ही हूं अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूताशी स्थित सभी भूतों में स्थित आत्मा मैं ही हूं अमन कक्कर जी क्या बहरम भी पूजा करते हैं नहीं जी क्या आवश्यकता है पूजा करने की ब्रह्म तो शुद्ध स्वरूप में जीव कहां रहेगा जीव कहीं नहीं रहेगा वो ब्रह्म रूप में रहेगा अपने वास्तविक रूप में सर्वव्यापी हो जाएगा वो ठीक है सर्वव्यापी व्हाट्सअबाउट भक्त माला कथा कौन सी कथा है बता दीजिए जीव और जीवात्मा का भाव क्या है गुरु जी आपकी एक वीडियो में आपने कहा कि आत्मा सर्वव्याप्त है और मृत देह में भी है तो शरीर से कौन जाता है जीव जाता है जिससे कि शरीर मृत होता है निर्जीव अरे भाई निर्जीव क्यों हो गया जीव नहीं है इसलिए निर्जीव हो गया नहीं तो कितनी बार तो बोला हूं कि मृत शरीर को क्या कहते हो निरात्मा कहते हो अब कोई वस्तु है मान लीजिए मेरे पास ही यहां पर कुछ वस्तुएं रखी हुई है पुस्तकें हैं तो क्या यह निरात्मा है यह निरात्मा है या निर्जीव है क्या बोलोगे इसे अगर ये एक डायरी है इसे आप क्या बोलेंगे निरात्मा या निर्जीव निर्जीव इसमें जीव नहीं है आत्मा तो सर्वव्यापी ही है ठीक शरीर को छोड़कर जीव जाता अभी तो यह सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ठीक है चलिए बहुत बहुत आभार आप सभी का काफी समय हो गया ध्यान योग की क्लास उनतीस तारीख से शुरू होगी जन्माष्टमी के दिन उनतीस तारीख से जो लोग इसको ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं कुछ लोगों ने ज्वाइन किया भी है तो उनको लिस्ट में ऐड करते रहा जाएगा और फिर उनतीस तारीख को यह क्लास शुरू हो जाएगी तो आप इसके लिए रत रहें और ज्वाइन कर कर लाभ उठाएं ठीक ध्यान योग को सीखें क्योंकि तो ध्यान योग करते हुए जो बातें समझ में आएंगी वो कुछ और ही बात हो जाएगी वो कौन से फिर और ही बातों को अच्छे तरीके से आप समझ पाएंगे बस इतना ही है तो इसीलिए विराम देंगे अब विचारों को यहाँ पर और सभा को काफी लंबा आज सेशन चल गया विषय भी था जीव का विषय है अक्सर लोग चर्चा करते ही रहते हैं कि जीव क्या है आत्मा क्या है ठीक है तो इसीलिए लंबा भी थोड़ा रहा कल हम उपनिषद के आगे अभी भी जीव की ही चर्चा है अभी कई श्लोक हैं जो कि जीव के ऊपर ही चर्चा कर रहे हैं तो आगे भी आने वाले श्लोकों में जीव पर ही चर्चा होने वाली है आत्मा परमात्मा की चर्चा ये जरूरी था और श्वेतास्त्रो उपनिषद आखिरी नवा उपनिषद है मूल उपनिषदों में ईशादी नौ उपनिषदों में तो ज़्यादातर टॉपिक इसमें कवर किए हुए हैं इस उद्देश्य से ही यह निर्मित है तो चलिए इस पर हम चर्चा कर ही रहे हैं तो आगे की चर्चा भी इसी तरह से बढ़ेगी और ध्यान योग की क्लास कुछ सत्र जो है कुछ क्लासेस युवाओं के लिए हम लाने वाले हैं बहुत जल्द यूथ के लिए तो आप यूथ के लिए भी क्लासेस हैं तो वो भी चलेंगी यूथ क्लासेस भी कुछ चलने वाली हैं आगे भविष्य में उसका जरूर ही उसका जो भी डिटेल्स है आपको जल्दी मिलेगी और जो है कुछ और भी बातें हैं जिससे कि आप ऑफलाइन मोड में अब बहुत जल्द अभी तो मैं नहीं कह सकता लेकिन निश्चय ही ऑफलाइन मोड में जो लोग साधना सीखना चाहते हैं सामने बैठकर आकर साधना सीखना चाहते हैं कहते हैं कि हम आपके पास आकर सीखना चाहते हैं मोस्ट वेलकम जी बहुत जल्द यह शुरू होने वाला है संभवतः क्योंकि अब चारों तरफ स्कूल विद्यालय भी खुल रहे हैं और कोरोना का क्या होगा नहीं होगा ये तो अभी भी क्लियर नहीं है बहुत की तीसरा वेब क्या असर दिखाएगा कितना असर दिखाएगा कितना लॉकडाउन होगा लेकिन वैक्सीनेशन फास्ट चल रहा है ठीक है लेकिन सारे स्कूल कॉलेज खुल रहे हैं क्योंकि तो जब हम सामाजिक काम करेंगे तो हम क्या मानते हैं क्या नहीं मानते ये महत्व नहीं रखता जो प्रोटोकॉल है उसको तो लेना ही पड़ेगा ठीक है तो इसी कारण से ऑफलाइन मोड की साधनाएं भी शुरू होने वाली हैं ऑनलाइन बंद हो जाएगा अभी तो बंद नहीं होने वाला लेकिन शायद कभी बंद हो जाए ऑनलाइन जो कार्यक्रम चल रहा है लेकिन ऑफलाइन तो ऑफलाइन का रास्ता तो हमेशा ही रहेगा तो जो लोग कहते हैं कि हम आपके पास आकर सीखना चाहते हैं जल्द ही उनके लिए सूचना आएगी कि ऑफलाइन मोड में भी आप साधना सीख सकते हैं ठीक है ऑफलाइन मोड में भी सीख सकते हैं तो चलिए इसी के साथ विचारों को विराम देते हैं और आपसे विदा लेते हैं कल फिर से इस विश्राम के बाद कल फिर आएंगे नौ बजे लाइव चर्चा शुरू होगी बहुत बहुत आभार आप सभी का जुड़े रहने के लिए बने रहें